या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सरकार के प्रति कर्मचारियों के सभी वर्गों में रोष है। सरकार बजट के बिना घोषणाएं कर रही है जो धरातल पर नहीं उतर पा रही है। ऐसे में सरकार को रिपीट करने के ख्वाब देखने बंद कर देने चाहिए। यह बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने शिमला में कही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि आज कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ठेकेदार भी हड़ताल पर हैं, जिससे विकासात्मक कार्य ठप पड़े हैं। सरकार से सभी वर्ग नाराज हैं। सरकार ने बिना बजट के कोरी घोषणाएं की हैं जो पूरी नहीं हो पाई है, जिससे सभी में नाराजगी है। वहीं उन्होंने जयराम सरकार के रिपीट के दावे को खोखला बताया है। सरकार दिन में मुंगेरी लाल के सपने देख रही है जो पूरे होने वाले नहीं है। राठौर ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसके बाद प्रदेश के बजट से भी कोई उम्मीद नहीं है। सरकार बिना बजट के घोषणाएं कर रही है जो पूरी तरह होने वाली नहीं है। अभी प्रदेश कांग्रेस ने अपना सदस्य अभियान शुरू किया है जो अभी पूरे ब्लॉक स्तर पर चल रहा है, और पिछले दिनों मैंने तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं और जो मैंने कोऑर्डिनेटर जिलों में बनाए हैं उनसे बैठक करके मेंबरशिप कैंपेन का जायज़ा भी लिया, और कल जो है हमारी जो पीआरओ है दीपा दास मुंशी जी वो शिमला आ रही हैं, और वो हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करके जो है जो हमारा सदस्य अभियान है उसका जायज़ा लेगी। और वैसे तो ये 31 मार्च तक हमें सदस्य अभियान जो है ख़त्म करना है, तो अभी जो है हमारी जो प्रभारियां बनी हैं वो आकर जो है हमारे संगठन के लोगों से इस विषय में जो है बातचीत और चर्चा करें। ठीक है, लेकिन अभी हमें पहला चरण जो सदस्य अभियान का है वो हमें पूरा करना है। ये बात ठीक है कि अभी नगर निगम के चुनाव जो है वो भी बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी हिमाचल में होने, उसके लिए भी अभी समय हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। तो यह पार्टी आला कमान को निर्णय लेना है कि पार्टी आला कमान जो है किस ढंग से जो है संगठनात्मक जो चुनाव है उसका क्या निर्णय लेती है, ये पार्टी आलाकमान को जो है तय करना है, लेकिन हम पूरी तरह से जो है तैयारी करेंगे। देखिए, हमने पहले भी ये बात कही थी कि जो ठेकेदारों के साथ जो विवाद है उसे सुलझाने की ज़रूरत है। सरकार को चाहिए कि जो ठेकेदारों का संगठन है उनसे बात करे, क्योंकि मुझसे भी ठेकेदारों के संगठन के लोग मिलने आए थे और उनकी बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे खासकर हमारे जो छोटे ठेकेदार हैं उन्होंने मशीनों के लिए दूसरे इक्विपमेंट्स के लिए जो है बैंकों से लोन ले रखे हैं, और अब जब सरकार पेमेंट नहीं कर रही है तो अदायगी नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से जिन ठेकेदारों के पास श्रमिक काम कर रहे हैं उनको भी मजदूरी देने में बड़ी समस्या आ रही है, और इससे सीधा जो प्रभाव है वो विकास के कार्यों में पड़ रहा है। मुझे ये लगता है कि ये जो सरकार है सरकार के पास विजन की कमी है। जिस ढंग से इन्होंने अभी पिछले दिनों जो है कर्मचारियों के लिए रियायतें देने की घोषणा की, हालांकि बजट का कोई प्रावधान नहीं, बगैर बजट के आप घोषणाएं कर रहे हो, इसलिए वो घोषणाएं जो है मूर्त रूप नहीं ले पा रही हैं, वो ज़मीनी स्तर पे उतर नहीं पा रही हैं। सरकार को चाहिए कि जितने कर्मचारी हैं उन जो अभी अपनी मांगों को लेकर एजिटेशन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनसे बात करे और उनकी मांगों को तुरंत माने, क्योंकि अगर कर्मचारी के संगठन इस तरह से हड़ताल पर रहेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश में जो विकास है उसको बिल्कुल विराम लग जाएगा। हालांकि इन 4 वर्षों में सरकार की जो कार्यप्रणाली है उससे पूरे प्रदेश में जो विकास को गति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। कांग्रेस के समय में जिस ढंग से विकास के काम शुरू हुए थे वो विकास के काम भी जो है अभी बंद पड़े। सरकार लगातार जो है कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है, लेकिन विकास के काम ठप पड़े हैं।
जिस ढंग से समाज का हर वर्ग, चाहे हमारे कर्मचारी हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, हमारे होटलियर्स हों, हमारे युवा हों, सब सरकार से नाराज़ है, परेशान है। और इसी का परिणाम ये हुआ कि अभी जो चार उपचुनाव हुए, इसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है चारों खाने जो है चित होना पड़ा। सरकार को चाहिए कि जो रोष समाज के हर वर्ग में, उस रोष को कम करने के लिए जो है जो उचित मांगे हैं, उन मांगों पे जो है विचार करे और उन्हें माने। आप कह रहे हैं कि देखिए, अब अगर ये सब लोग दिन में सपने देख रहे हैं तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये मुंगेरी लाल के सपने, ऐसा होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में, और हमने जिस ढंग से संगठन की गतिविधियां पिछले 3 वर्षों में चलाई है, और इस वर्ष भी संगठन की गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। हम जमीनी स्तर तक, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करें। हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग अवसर नहीं देंगे, फिर से कांग्रेस पार्टी जो है हिमाचल में सरकार बनाएगी। सब बजट मिली, देखिए हमें उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में कुछ हिमाचल के लिए होगा, कोई स्पेशल पैकेज होगा, ऐसा हुआ नहीं। हिमाचल के लोगों को केंद्रीय बजट से बहुत ज़्यादा निराशा हुई है। हालांकि ये चुनाव का वर्ष है, मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो करेंगे मुझे लगता है, लेकिन उन घोषणाओं के लिए मैंने जैसे पहले कहा कि वित्तीय प्रबंधन सरकार के पास है नहीं, वो खाली घोषणाएँ जो है कोरी की कोरी रह जाएंगी। जमीनी स्तर पर ये घोषणाएँ उतरने वाली नहीं है। अब देखते हैं क्या बजट सरकार पेश करती है।